नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईफाई श्री राम में। तो आज मैं लेके आया हूँ मैथ्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोला जाता है साझा। अब दोस्तों, पार्टनरशिप होती क्या है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ। पार्टनरशिप जो होती है उसके लिए मिनिमम दो कैंडिडेट की आवश्यकता होती है, किसी भी एक जने के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने चाहिए, कम से कम दो जने, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो जने तो मुझे चाहिए पार्टनरशिप के लिए। अब इस टॉपिक के जो सवाल हैं वो आपको एग्जाम में एक दो सवाल आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसके सवाल भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ही कंसेप्ट होता है इसके अंदर कि आदमी जो भी पूंजी निवेश करता है और जितने समय के लिए निवेश करता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आदमी जितनी पूंजी निवेश करता है और जितने समय के लिए निवेश करता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है लाभ। फिर से बोल रहा हूं, आदमी जितनी पूंजी निवेश करता है और जितने समय के लिए निवेश करता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, लाभ। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैपिटल इंटू टाइम, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है प्रॉफिट। किसका रेशियो आता है, प्रॉफिट का रेशियो। इस टॉपिक के अंदर यही ट्रिक लगती है और सारे सवाल इस ट्रिक से हो जाते हैं कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जितनी उसने पूंजी निवेश की और जितने समय के लिए निवेश की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, लाभ आता है। आइए इस ट्रिक को सवालों के ऊपर अप्लाई करते हैं और समझते हैं। बस एक चीज याद रखनी है कि पूंजी को समय से गुणा करूंगा तो क्या आता है, लाभ आता है। अब दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह है, ए तथा बी दो साझेदार हैं, ए तथा बी दो साझेदार हैं, दोनों किसी व्यापार में, दोनों किसी व्यापार में 40,000 तथा 80,000 रुपये की राशि निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि ए अपनी राशि 6 महीने तथा बी 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए निवेश करे तो लाभ का अनुपात ज्ञात करें, तो लाभ का अनुपात ज्ञात करें, लाभ का अनुपात ज्ञात करें। आइए दोस्तों, सवाल को समझते हैं। पहले सवाल बोला है कि दो पार्टनर है, कौन कौन, ए तथा बी। उसने बोला कि दोनों किसी व्यापार में 40,000 तथा 80,000 रुपए की राशि निवेश करते हैं। यदि ए अपनी राशि 6 महीने के लिए तथा बी अपनी राशि 8 महीने के लिए निवेश करे तो लाभ का अनुपात ज्ञात करें। अब दोस्तों, मैंने एक ही ट्रिक बताई थी कि जो उसने पूंजी निवेश की है और जितने समय के लिए निवेश की है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है, लाभ आता है। अब मैं वही काम यहां पर कर रहा हूं। ए तथा बी दो साझेदार थे, ए ने कितनी पूंजी निवेश की, 40,000 रुपए, और बी ने कितनी पूंजी निवेश की, 80,000 रुपए। अब लिखता हूं समय, ए ने अपनी पूंजी निवेश की 40,000 रुपए कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, और बी ने 8 महीने के लिए। अब आता है, पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। क्या आता है, लाभ। अब देखो दोस्तों, जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है 40,000 और 80,000, हमेशा याद रखना ऊपर वाली संख्या से कटती है। काट क्यों रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जो ऊपर वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से कटेगी, नीचे वाली संख्या से कटेगी, पहली चीज। दूसरी चीज,
जो ऊपर वाली संख्या है, दोनों संख्याएं चाहे दो हो चाहे तीन संख्या हो, जितनी भी संख्याएं होगी वो किसी एक ही संख्या से कटेगी, अलग अलग संख्या से नहीं कट सकती। उसी प्रकार जो नीचे वाली संख्याएं हैं, चाहे वो दो हो चाहे वो तीन हो, किसी एक ही संख्या से कटेगी, अलग अलग संख्या से नहीं कट सकती। तो यहाँ पर चार जीरो थी और यहाँ पर चार जीरो थी, कट कर दिया। क्या मैं चार और आठ को कट कर सकता हूँ? किससे? चार से। तो चार को चार से कट करूंगा तो एक बार, और चार से आठ को कट करूंगा तो दो बार। मैं कट क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरे पास यहीं से संख्याएं छोटी छोटी आ जाए, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या छह और आठ को मैं कट कर सकता हूं? कर सकता हूं, लेकिन किसके पहाड़े से? दो के। तो दो से इसको कट करूंगा कितनी बार? तीन बार। और दो से इसको कट करूंगा कितनी बार? चार बार। अब ऊपर कितने बज गया? एक, और नीचे तीन। अब पूंजी को मैं समय से गुणा करता हूं तो क्या आता है? लाभ आता है। तो एक को तीन से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? तीन। और इधर है दो, और समय कितना है? चार। तो दो को चार से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? आठ आएगा। इसका मतलब उसने पूछे क्या था सवाल में? कि लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो लाभ कितना हो गया? अब किस अनुपात में आ गया? तीन अनुपात आठ में। दोस्तों यही सबसे बेसिक सवाल है, और यहीं से सवालों की स्टार्टिंग होती है। तरीका यही है सारे सवालों को करने का, अप्रोच यही होती है। जो पूंजी दे रखी है उसको सबसे पहले आप क्या करो? छोटी संख्याओं में बदल लो। छोटी संख्याओं में कैसे बदलेंगे? जो संख्याएं कट रही है उनको काट लो, जहां तक कटेगी वहां तक काट लेंगे। उसी प्रकार जो समय दे रखा है उसको भी आप कट कर लो। एक ही पहाड़े से सारी संख्याएं कटनी चाहिए, और ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कटेगी, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटेगी। उसके बाद जो भी संख्याएं आती है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लाभ का अनुपात आएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। सारे सवाल इसी ट्रिक से हो जाएंगे, बस आपको यही याद रखना है कि जो भी पूंजी दे रखी है और जितने समय के लिए निवेश कर रहा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? लाभ आएगा। आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तीन साझेदार ए बी तथा सी, ए बी तथा सी अपनी पूंजी। दोस्तों पहले कितने साझेदार थे? पहले साझेदार थे दो, और अब साझेदार कितने हैं? तीन। तो उसने क्या बोला कि तीन साझेदार ए बी तथा सी अपनी पूंजी पांच अनुपात छह अनुपात आठ में निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। उसने बोला कि तीन साझेदार ए बी तथा सी अपनी पूंजी पांच अनुपात छह अनुपात आठ में निवेश करते हैं, यदि वे अपनी पूंजी अलग अलग समय के लिए अलग अलग समय के लिए निवेश करें, अलग अलग समय के लिए निवेश करें। दोस्तों सवाल को पहले देखो, उसने क्या बोल रखा है? तीन साझेदार थे ए बी और सी, और किस अनुपात में पूंजी निवेश कर रखी थी? पांच छह और आठ में। और उसने बोला कि यदि वे अपनी पूंजी अलग अलग समय के लिए निवेश करें, इसका मतलब अब समय नहीं दे रखा है, समय नहीं दे रखा है उसने। और आगे क्या बोला है? अलग अलग समय के लिए निवेश करें तो लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात दो हो जाता है, चार अनुपात तीन अनुपात दो हो जाता है। तो समय का अनुपात ज्ञात करें, तो समय का अनुपात ज्ञात करें, तो समय का अनुपात ज्ञात करें। आइए दोस्तों सवाल के ऊपर चलते हैं। तीन साझेदार थे ए बी और सी, और पूंजी निवेश कर दी कितनी? किस अनुपात में? पांच अनुपात छह अनुपात आठ। तीन साझेदार थे, तीनों को अनुपात में लिख दिया। अब पूंजी के ऊपर आते हैं। ए ने अपनी पूंजी निवेश की किस अनुपात में? पांच अनुपात छह अनुपात आठ। कितने समय के लिए? अब समय तो मुझे पता नहीं है, समय तो मुझे निकालना है, तो x, y और z मान लिया मैंने। अब पूंजी को समय से गुणा करता हूं तो क्या आता है?
लाभ आता है। अगर मैं पूंजी को समय से गुणा करता हूं तो क्या आता है? लाभ आता है। अब उसने दे रखा है मुझे लाभ का अनुपात कितना, 4:3:2 हो जाता है। लाभ का अनुपात कितना हो गया, 4:3:2। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो लाभ आता है। तो अगर मैं 5 को x से गुणा करूंगा तो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब यहां पर a की पूंजी निकालते हैं, a बराबर क्या है, अगर पूंजी को मैं समय से गुणा करता हूं 5 × x बराबर किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर होगा। 5 को x से गुणा किया तो 4 के बराबर। तो यहां से x का मान क्या निकल के आएगा, 4/5। इसी प्रकार b के ऊपर आते हैं, अगर मैं 6 को y से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 6y बराबर किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, 3/6 बराबर 1/2। और अब निकालता हूं c का, c ने कितनी पूंजी निवेश की, किस अनुपात में, 8:8। तो 8 को z से गुणा करूंगा तो किसके इक्वल होगा, 2 के। तो यहां से z का मान क्या आ जाएगा, 2/8 बराबर 1/4। दोस्तों देखना, आप जेड का मान 1/4, वाई का मान 1/2, एक्स का मान 4/5। उसने क्या पूछा था सवाल के अंदर, सवाल के अंदर उसने क्या पूछा था कि समय का अनुपात ज्ञात करें। समय मैंने क्या माना था, एक्स वाई और जेड, तो मुझे इसी का तो अनुपात पूछा है उसने, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स का मान कितना है, 4/5, y का अनुपात कितना है, 1/2, और z का अनुपात कितना है, 1/4। ठीक है, क्या मैं 5, 2 और 4, अब ये भिन्न में संख्याएं आ रही है, मुझे इसको संख्याओं में बदलना है, तो मैं क्या काम करूंगा, जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका एलसीएम लूंगा। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो मैं 20 को तीनों जगह गुणा कर रहा हूं, 4/5 × 20 अनुपात, 1/2 × 20 अनुपात, 1/4 × 20। ठीक है, अब 5 से इसको कट करूंगा कितनी बार, 4 बार, कितना आ जाएगा, 16। 2 से इसको कट करूंगा कितनी बार, 10 बार, कितना आ जाएगा, 10। और 4 से इसको कट करूंगा 5 बार, तो क्या अनुपात आ जाएगा, 10:16:10:5। उसने यही पूछा था कि समय का अनुपात क्या होगा, 16:10:5, यही पूछा था। तो सवालों को किस अप्रोच से करते हैं कि जो पूंजी दे रखी है जिस अनुपात में, समय नहीं दे रखा था तो मैंने x y z मान लिया, और लाभ कितना हो रहा है, 4:3:2 इतना लाभ हो रहा है। अब मैंने क्या काम किया कि अगर मैं पूंजी को समय से गुणा करता हूं तो लाभ आता है। तो मैंने 5 को x से गुणा किया तो 4 के बराबर है, यहां से x का मान निकाला कितना आया, 4/5। उसी प्रकार 6 को y से गुणा किया तो कितना आया, 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से y का मान निकाल लिया 1/2। और उसी प्रकार 8 को z से गुणा करूँगा तो किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ से z का मान कितना आ गया, 1/4। अब इसका अनुपात पूछा था, x y और z क्या है, ये समय का अनुपात है। तो इसको मैंने अनुपात पूछा था तो इसको अनुपात में लिखा, तो ये संख्याएं भिन्न में आ रही थी, और भिन्न से मुझे संख्याओं में बदलने के लिए मैंने नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया। 5, 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 20 आता है। उस 20 को मैंने तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या अनुपात निकल के आया मेरे पास, 16:10:5 निकल के आया। आइए दोस्तों अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। सारे सवाल एक ही कंसेप्ट से होंगे, बस आपको सवाल की लैंग्वेज घुमा के देखा, बाकी कंसेप्ट वो का वो ही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, संख्याएं बदल जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, बाकी कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। आइए अगले सवाल के ऊपर। दो साझेदार ए तथा बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। आगे बोला है, यदि ए अपनी पूंजी, यदि ए अपनी पूंजी 6 महीने के लिए निवेश करे, 6 महीने के लिए निवेश करे
निवेश करें तो अंत में लाभ का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो पूछा है उसने बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की, बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की। दोस्तों सवाल दे रखा है दो साझेदार थे ए तथा बी, तो मैंने लिख लिया दोनों साझेदार ए तथा बी। अब उन्होंने बोला कि पूंजी किस अनुपात में निवेश की, 5:6 के ये पूंजी आ गया। अब समय देखता हूं मैं, समय ए ने कितने समय के लिए लगाई, 6 महीने के लिए, बी का मुझे नहीं पता, मैंने वाई मान लिया, ठीक है। अब पूंजी को समय से गुणा करता हूं तो क्या आता है, लाभ आता है। अब देखो उसने लाभ का अनुपात दे रखा है कि अंत में लाभ का अनुपात 5:4 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 5:4। अब देखो मैंने बताया था पूंजी को समय से गुणा करूंगा तो लाभ आएगा, इसको मैं मान रहा हूं 5x और 4x। अब मैंने 5 को 6 से गुणा करा तो कितना आया, 30 आ गया। इसका मतलब ए को कितना लाभ हो रहा है रुपए में, 30 रुपए का, और ये किसके बराबर है, 5x के, क्योंकि लाभ का अनुपात दे रखा है उसने कितना, 5:4। तो मैंने इसको मान लिया 5x और 4x, ए को लाभ हो रहा है 30 रुपए का, तो ये किसके बराबर है, 5x के। तो ए को लाभ हो रहा है 30 रुपए का और ये किसके बराबर है, 5x के। तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x का मान निकाला तो आ गया 6, कितना आया, 6 आ गया। इसका मतलब b को कितना लाभ हो जाएगा, तो मैं यहां पर x का मान रख रहा हूं, b को भी लाभ कितना है, किस अनुपात में है, 4x के, तो यहां पर x का मान रखूंगा कितना, 6, तो कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब b को लाभ हुआ है कितने का, 24 का। उसने बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की वो तो मुझे निकालना है, बाकी किस अनुपात में निवेश की, 6 के अनुपात में। तो मैं अब यहां पर देखो, यहां पर दो तरीके हैं निकालने के, बी ने अपनी पूंजी निवेश की थी 6 के अनुपात में और कितने समय के लिए, वाई समय के लिए, और दोनों को मिलाकर लाभ कितना हुआ है, पूंजी को समय से गुणा किया तो लाभ के बराबर आता है, लाभ कितना हुआ है 24 का, तो वाई का मान क्या निकल के आएगा, 24/6=4। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई ने जो अपनी पूंजी है, सॉरी जो बी ने अपनी पूंजी है वो कितने समय के लिए निवेश की थी, 4 महीने के लिए निवेश की थी। दोस्तों एक तो ये तरीका है कि आप यहां से आके निकालो इसको, या फिर यहीं पर देख लो बी को लाभ कितना हो रहा है, 24 रुपए का, बी को लाभ हो रहा है 24 का, और पूंजी किस अनुपात में निवेश की थी, 6 के। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये संख्या लिखी हुई है। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, इसका मतलब 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मेरा यहीं से आंसर आ जाएगा, तो कितने मंथ आ गए, 4 मंथ। इसका मतलब जो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है, 4 महीने के लिए। दोस्तों तरीका वही है, सारे कंसेप्ट वही है, एक ही कंसेप्ट है, वो हर सवालों में लगेगा, सवालों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मैं और इस टॉपिक के और अच्छे सवाल लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:30 बजे तक, देखने के बाद चलो बाद में रहो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। उस पानी में डाल जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके विजय के भी।